दार्जिलिंग टाउन पहुँचते पहुँचते रात हो गया गाइस, देख सकते हैं ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है गाइस। तो कल स्कूटी नया लिया था शोरूम से, जो कि स्कूटी का जो किक जो है ना बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए आज बनाने के लिए शोरूम पे सुबह सुबह आ चुका हूँ। और आप लोग भी ये भरोसा में मत रहिए कि नया स्कूटी खरीदा है सब कुछ ओके है, ये सोच के बिल्कुल भी स्कूटी लेके ना जाए। जो भी जो कुछ भी आप लोग को चेक करना है शोरूम के अंदर ही चेक करें, क्योंकि जो मैंने लेके गया था ये बहुत ही डिस्टर्ब था। और इसका हैंडल जो है ना, इसका ये वाला हैंडल भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। हैंडल मतलब भी टेढ़ा है, नया शोरूम से लेके जाने के बाद सुबह देखा कि हैंडल भी टेढ़ा है। तो बट अभी यहाँ से मतलब किक वगैरह बनवाते हैं और हैंडल को करते हैं सीधा, और फिर यहाँ से निकलते हैं दार्जिलिंग के लिए, जो कि अपना एक छोटा सा इमरजेंसी काम है। इस स्कूटी को जो है दार्जिलिंग पे मतलब पहुँचा के मेरे को घर की ओर आना है, जो कि अपना कमल भैया भी आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट मेरे को लगता है नहीं है कि ये जल्दी हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब काम है। जो भी हो, आई होप अभी आप सभी को बताते हुए यहाँ दिखा रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलते हैं। बस तो फाइनली 3 घंटा के बाद अपना सीनियरी का ओके हो चुका है, दार्जिलिंग के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। क्या होता है।
जाम लगता है इतना ज़्यादा, क्या ये बताओ, देख सकते आगे से गाड़ी आता है, पीछे से गाड़ी, नहीं करूँ तो फिर कॉफी उठना पड़ता।